कि आप भी अपने फ़ोन के कीबोर्ड्स कवर में अपनी फ़ोटो लगाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि आपने दोस्तों के फ़ोन पे या फिर किसी न किसी के फ़ोन में देखा होगा, यूट्यूब में देखा होगा कि बहुत से लोग अपनी फ़ोटो यानी अपनी कीबोर्ड्स कवर पे लगाते हैं। तो कैसे लगाते हैं, तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं। जैसे कि आप भी देख रहे होंगे कि मेरे फ़ोन में जो कीबोर्ड है उसके ऊपर कवर पर मेरी फ़ोटो लगी हुई है, देख जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इसको कैसे लगाते हैं, तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं, ठीक है। तो इसके लिए बेसिक सिंपल आपको करना क्या होगा, आपको एक ऐप्स डाउनलोड करनी होगी। वो ऐप्स मिलेगी आपको प्ले स्टोर में, बाकी बहुत सारी ऐप हैं, लेकिन आप यहाँ पे टाइप करेंगे क्या, स्विफ्ट, ठीक है, स्विफ्ट कीबोर्ड टाइप करेंगे, स्विफ्ट की कीबोर्ड टाइप करेंगे, तो यहाँ पे ये पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको करना है, ठीक है, डाउनलोड। तो यहाँ पे देख रहे हैं 100 मिलियन डाउनलोड्स हैं, 4.5 की रेटिंग है। इसको यहाँ सिंपल से मेरे में इंस्टॉल है, तो इसको मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ से आपको जैसे कि यहाँ पे चार ऑप्शन दिख रहे हैं कि लैंग्वेज, थीम्स, टाइपिंग एंड अकाउंट, ठीक है। तो आपको जाना किस में, थीम में। बेसिकली आपको लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कैसे क्या करना है। तो आप जैसे गैलरी योर्स कस्टम्स, कस्टम में आप अपनी फ़ोटो लगा सकते हैं और गैलरी में भी से भी अपनी फ़ोटो लगा सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे मेरी ये फ़ोटो लगी हुई है, तो स्टार्ट पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप फ़ोटो ले पाएंगे, ठीक है। आप यहाँ से अपनी फ़ोटो सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, जैसे कि मेरी ये फ़ोटो, अब मैं दूसरी फ़ोटो ले रहा हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ से अपनी फ़ोटो को छोटा बड़ा जो भी करना है कर सकते हैं, यहाँ से डन कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आप देखेंगे कि आपके कीबोर्ड में आपकी फ़ोटो ऐसे नज़र आएगी, ठीक है। तो यहाँ से आप इसका सेटअप भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ से आप इसको डन कर देंगे तो यहाँ से लग जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से ये मेरी फ़ोटो लग गई है। और जैसे अगर योर्स में जाएंगे, अगर जैसे आपको फ़ोटो को रिमूव करना है, तो आप योर्स में जाके सिंपल सा इसको हटा सकते हैं, जैसे कि लाइट कॉन्ट्रास्ट, हाई कॉन्ट्रास्ट, और ये डार्क में आप जाएंगे तो आपको जो भी लगाना है आप यहाँ से लगा लेंगे, तो यहाँ सिंपल सा हट जाएगा। अगर आपको फिर से लगाना है तो आप यहाँ से जाइए और स्टार्ट पे कीजिए, या फिर कस्टम में जाके आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तब भी आपकी फ़ोटो लग जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ पे ये वाली फ़ोटो कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ, तब भी ये फ़ोटो लग जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन पे अपनी जो कीबोर्ड कवर पे अपनी फ़ोटो लगा सकते हैं और अपने जो फ़ोन का थोड़ा सा इंप्रेशन बढ़ा सकते हैं। तो आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे फ़ोटोज़ को लगाते हैं और कैसे हटाते हैं, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आप किसी के व्हाट्सअप स्टेटस आपको ज़्यादा अच्छा लगता है और उसका व्हाट्सअप स्टेटस आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। एकदम सिंपल तरीके से मैंने बताया कि आप बिना किसी एप्लीकेशन के थ्रू आप किसी का भी स्टेटस कॉपी कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी बिना किसी एप्लीकेशन की मदद से, ठीक है। तो इस वीडियो को आप भी देखिएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए आप देखते रहें स्टडी एंड टेक यूट्यूब चैनल, जहाँ पर आपको स्टडी और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो मिलती रहती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।